अगेती भी बाएं और पछेती भी बाएं। अगर एक बार अंदर घुस गई ना तो वो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो भी अपन स्प्रे करेंगे ना तो ऊपर रह जाता है और वो अंदर तक नहीं मर पाती है। देख लट है ना, ये मुख्यतः बीमारी है, किसान इस पर ज्यादा ध्यान दे। अलग अलग किसान अलग अलग तरीके से करते हैं, हम तो ऐसे समतल खेत में क्यारी बना के लगाते हैं, सिंपल विधि, सिंपल वे साधारण विधि से लगाते। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, अगर आप सब्जियों की खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कौन सी सब्जी हमें किस समय पर लगानी होगी, साथ ही साथ उस सब्जी के बारे में आपको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी से किसान भाई प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाता, सिर्फ और सिर्फ वो लॉस में जाता है। और पूरी जानकारी आपके पास होगी, सही समय का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो यकीनन आप बहुत ही शानदार प्रॉफिट उस खेती से कमा पाएंगे। जैसा कि आप मेरे साथ में देख सकते हैं, अनुभवी किसान भाई मौजूद है जो लगातार कई सालों से सब्जियों की खेती करते हैं, और इस बार भी किसान भाई ने करीब करीब 3000 स्क्वायर मीटर में शानदार पत्ता गोभी की खेती कर रखी है। कई सालों से लगातार सफल तरीके से ये किसान भाई पत्ता गोभी की खेती करते हैं। तो इस वीडियो में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पत्ता गोभी के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं या रोग लग सकते हैं, इसमें कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो किसान भाई को थोड़ा अपना परिचय बता दें। भाई मैं गोकुलपुरा गांव बस्सी तहसील से हूँ, राम किशोर मीणा जी। तो कितने दिनों से करते हैं सर सब्जियों की खेती? ये तो जब से मैं समझने लगा हूँ तब से पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, मेरे पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। सर जी आप भी अपना परिचय बता दें किसान भाई को। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ श्री राम किशोर जी मीणा है, यहाँ गोकुलप्रिया बस्सी तहसील के, इनके खेती कर रहा हूँ। ये है मालिक, मालिक हाँ, ये खेती का ये जमीन इनकी, इनके रेंट पे काम कर रहा हूँ। आप रेंट पे काम? हाँ, बिल्कुल रेंट पे कर रहा हूँ। तो सर जी जो पत्ता गोभी की खास कर खेती के बारे में जानकारी देने वाले किसान भाई, बिल्कुल कितने साल से करते हैं ये खेती आप? देखो ये तो लगभग 20 साल से कर रहे हैं, जो ये मालिक है जमीन के, लगभग 20 साल से ये कर रहे हैं। इनके पिताजी करते थे सरपंच साहब। अच्छा। ना पहले मोहनलाल जी सरपंच, वो करते थे पहले, फिर उनके बाद में ये करने लग गए, और अब इन्हें से गई साल से लगभग मैं इनसे जुड़ गया, तो मैं रेंट पे ले रखा और मैं कर रहा हूँ वर्तमान में जी। बिल्कुल। तो सर ये पत्ता गोभी खेती में कई किसान भाई फेल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं यार इसमें प्रॉफिट नहीं, कारण क्या? देखो हम अगेती फचेती लगाते हैं हम, जैसे गई बार हमको मार्केट रेट ठीक नहीं मिली, तो उसमें लेबर की मजदूरी नहीं पड़ी, तो हमने उसको काट के जानवरों को खिला दी, सुनो उससे अगली बार हमको डबल प्रॉफिट हो गई। अच्छा। अब तो इस बार हमने थोड़ा टाइम चेंज किया, तो लगभग इसका टाइम है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन हमको 10 दिसंबर में, 1 दिसंबर में ये पौधे लगाए, इसके नवंबर में पौधे तैयार किए, और दिसंबर 1 दिसंबर में इनकी चुबाई करवा दी है, लगवा दी पौध को, और लगभग 50-55 दिन में ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी, अभी 10-15 दिन और लेगी लगभग। अगर इस चीज को सर जी सिंपल भाषा में समझे तो ये कि अगर समय का चुनाव आप सही कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर समय में चूक जाते हैं तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल लॉस होता है। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो कोई नया किसान भाई ये खेती करना चाहे पत्ता गोभी, तो इसके लिए आप खेत की तैयारी कौन से समय पे करते हैं? देखो खेत की तो वो सितंबर मई जून में से होगी तैयारी लगभग, तो जैसे मान लो उससे पहले कोई फसल हो तो उसको खाली खेत को खाली होने के बाद में जैसे उसमें गोबर खाद डालना या उसमें पिलाव निकालना या कोई खाद तो डालना, SSP DAP पोटास वगैरह डाल डूल के कंप्लीट करके, फिर ये अपन को ये लगे कि इसमें तो थोड़ा सूखा है तो फुहारे लगा के उसमें गीला भी कर सकते हैं, पड़ाव जिसको बोलते हैं जी जी। फिर उसके बाद में सुखाना, फिर उसके बाद सितंबर में लगा दो, अगेती लगाए तो अक्टूबर में भी लगती है और नवंबर में भी लगती है। अच्छा। अक्टूबर से ही सितंबर से इसके चुबाई का समय आ जाता है, सितंबर से आप परफेक्ट समय मान सकते हैं, सितंबर से दिसंबर तक। हाँ चलो जी अपना खेत तैयार हो गया सितंबर में, लेकिन अपने को नर्सरी भी तैयार करनी पड़ेगी इसकी, तो वो नर्सरी उससे पहले करनी पड़ेगी, तो साइड में तैयार होती है, जैसे अपन खेत की तैयारी करें उसी समय पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी दूसरी जगह करते हैं अपन, दूसरी जगह किसी भी क्यारी में
कर सकते हैं। थोड़ी विधि आप जो नर्सरी तैयार करते हैं उसकी विधि बता दी किसान भाई। नर्सरी तो हम तो एक नेट का जुगाड़ बना रखा है। अच्छा, जो पाइप लगा के और ऊपर जो सैर नेट आता है ना, तो वो हमारे मकान के बगल में घर पर है, इनके घर पर आगे ग्रीन नेट लगा। हाँ, ग्रीन नेट लगा के उसमें जैसे बारिश का वो होता है ना, और नर्सरी खराब होने का धोखा था, तो प्लास्टिक की पन्नी से उसको ऐसे टेपर में छप्पर टाइप ऐसे लगा देते हैं, तैयार कर सकते हैं जी। चलो जी, 3000 स्क्वायर मीटर है अपन ने पत्ता गोभी कर रखी है, कितने बीज की नर्सरी तैयार करेंगे अपन? आधा केजी। आधा केजी काफी रहेगा? हाँ, आधा केजी। कुछ पौधे उसमें से, वैसे तो 400 ग्राम भी ठीक है, लेकिन कुछ पौधे फंगस आ जाता, कुछ खराब भी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो लेकिन आधा केजी तो हम डालते हैं नर्सरी के लिए। तो सर जी, अपना खेत भी तैयार है, अपनी नर्सरी तैयार होने में कितना टाइम ले लेती है? नर्सरी 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है 20-25 दिन में जी। जैसे अपनी नर्सरी तैयार हुई, उसके बाद में जो ट्रांसप्लांट करेंगे अपन खेत के अंदर, उस टाइम पे क्या सावधानी बरतेंगे? पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखेंगे? देखो, पौधे से पौधे की लगभग 4 इंची 5 इंची 6 इंची जितना लगा सके ना अपन, उस हिसाब से। कोई तो बेड पर लगाता है, कोई क्यारी में लगाता है, कोई ड्रिप पर लगाता है, कोई बेड बना के, अलग अलग किसान अलग अलग तरीके से करते हैं। हम तो ऐसे समतल खेत में क्यारी बना के लगाते हैं, सिंपल विधि, सिंपल वे साधारण विधि से लगाते हैं। फिर इसमें मिनी लगाते हैं, मतलब ड्रिप भी नहीं लगाते, देख लो मिनी लगे हुए हैं, और मिनी से करते हैं। कई किसान भाई बोलते हैं यार जैसे बेड नहीं बनाए, सिंपल विधि से करते हैं, फंगस भी आती है। नहीं नहीं, हमारे तो ऐसा कोई ऐसा आज तक ऐसा रोग आया नहीं। इसमें तो मुख्यतः एक तो देख रेख क्या करे, एक तो लट है ना, ये मुख्यतः बीमारी है, किसान इस पर ज्यादा ध्यान दे। ये इसके अंदर चली जाती है पत्ते, फूल के अंदर, फूल के अंदर। हाँ, अगर एक बार अंदर घुस गई ना, तो वो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो भी अपन स्प्रे करेंगे ना, तो ऊपर रह जाता है और वो अंदर तक नहीं मर पाती है। तो इसका विशेष ध्यान तो इसका लटका रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये हर मौसम में, ये इसका 10 दिन में के लगभग सप्ताह में एक बार स्प्रे होना जरूरी है लटका। तो सर जी, ट्रांसप्लांट करने से पहले पानी चलाते हैं मिनी से, बाद में चलाते हैं? नहीं, बाद में। पहले ट्रांसप्लांट कर दिया कंप्लीट, फिर या तो क्यारी से पाते हैं हम इसको, या फिर इसके बाद में हम मिनी लगा देते हैं, तो फिर मिनी से भी हो जाती है। जैसे ट्रांसप्लांट कर दिया, कितनी देर मिनी चला सकता है शुरुआत में किसान भाई? हमें पहले तो क्यारी बना के इसको एक एक क्यारी को भरा देते हैं पानी से। फिर उसके बाद में इसके जैसे खरपतवार करवाते हैं, 10 दिन बाद में अपना कितना सारा हो गया, उसके बाद में 10 दिन 15 बाद फिर कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में हम क्यारी से नहीं पाते, फिर मिनी चलाते हैं। जैसे 1 घंटा डेली मान लो, कभी 2 घंटा मान लो ना, तो उस हिसाब से पूरे में डिस्टेंस कितना रखते हैं सर पौधे से पौधे के बीच में? लगभग 5 या 6 इंची का डिस्टेंस रखते हैं। 5 से 6 इंची के बीच? हाँ, 5 से 6 इंची जी। तो जैसे लगातार किसान भाई मेहनत भी कर रहा है, देख रेख भी कर रहा है, पानी भी चला रहा है, इसमें कोई ग्रोथ के लिए आप अलग से न्यूट्रिएंट चलाते हैं? हाँ, देते हैं बिल्कुल, ग्रोथ के लिए। जैसे बाहर मान लो, जैसे इसमें ग्रोथ कम चल रही है, थोड़ा ठंड का मौसम है, जैसे फुलाव नहीं, पत्ता नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम सल्फर भी दे सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। और जैसे नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। फिर कोई जैसे नीचे से गोभी का पत्ता पीला पड़ जाता है ना, तो वो फंगस आता है, तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। फंगिसाइड का कर सकते हैं बिल्कुल, कोई सा भी जी। बस ये देख रेख का ध्यान रखना पड़ता है। करीब सर जी, अपने ये क्रॉप कितने दिन की हो चुकी है? ये लगभग हो गई ये 40-45 दिन के आसपास, 40 से 45। अपना फूल बनने में कितना टाइम ले लेता है? अभी मान लो 10-15 दिन बाद, यानी 55-60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हार्वेस्टिंग का। हाँ, 55-60 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो जब अपना जैसे फूल तैयार होता है, तो फूल की साइज मतलब कितने केजी तक हो जाती है एक फूल? देखो, अगर सही फुल साइज बन जाती है ना, तो लगभग नॉर्मल 1 किलो नहीं, 1.5 किलो तक, 2 किलो तक भी साइज होता है, 1.5 किलो 2 किलो तक। कितनी बनती है? अपन नॉर्मल साइज में बेचते, ज्यादा बड़ी साइज में नहीं बेचते, 1 से 1.5 केजी तक, 1 से 1.5 केजी तक। तो अपना मुख्यतः माल कहाँ पे जाता है ज्यादातर? मुआना मंडी जाता है, हाँ, जयपुर। और ओवरऑल कई सालों से करते हैं सर जी, ओवरऑल क्या मार्केट में रेट रहती है? देखो, मार्केट तो लगभग अगर इसका 10 रुपए केजी भी एवरेज भाव आ जाए ना, तो लगभग ये 3000 स्क्वायर मीटर में है। अच्छा, तो लगभग 15 से 20 टन माल निकल सकता है इसमें, 15 से 20 टन माल निकल सकता है, अगर सही समय पर मौसम साथ दिया किसान को, तो 10 में भी 2-2.5 लाख का आराम से, 1.5-2 लाख का माल हो सकता है। और एक आइडिया के तौर पे अगर मैं खर्चा जानना चाहूँ, 3000 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा हो सकता है अपना? देखो, इसमें बीज का है, और बीज का है, बीज तो अलग अलग वेराइटी का आता है, जैसे 45 दिन की 60 दिन की 70 दिन की, वो किसान के ऊपर है, जितने जमीन को कितने देर तक खाली रखेगा वो किसान के ऊपर है, कौन सा बीज लाना चाहता है वो किसान के ऊपर है। लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा नहीं, एक तो मुख्यतः इसमें क्या है, लेबर लगा के चोबने का, अच्छा, ट्रांसप्लांट करने का ना, ये पौधे तो खुद मालिक भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में लेबर लगा, खुद भी लगा सकता है, तो एक एकड़ में मान लो लगभग 15-20 हज़ार रुपया खर्चा है। इतना खर्चा हो सकता है लगभग, इसमें खाद दवा दार सब आ गई कंप्लीट। तो खर्चा निकाल करके शुद्ध प्रॉफिट कितना निकाल सकते हैं? अब इसमें से मान लो लगभग ये 1 बीघा पक्की बोलते हैं जिसको, 3000 स्क्वायर मीटर हो गया, तो लगभग इसमें 12-20 तक का भाव है, लेकिन अपन एवरेज भाव 10-15 का लगाए, तो 20 टन भी हो गए, तो 3 लाख के आसपास, 3.5 या 2.5 का मान लो लगभग हो जाता है माल इतना। अब उसमें से खर्चा निकाल दो,
तो आराम से 1.5-2 लाख रुपए कमा सकता है एक 1.5 बीघा पर, किसी ज्यादा खूब आराम इतना कमा सकता है। इतना कमा सकता है। तो सर जी वीडियो के अंत में नए किसान भाई को अपनी तरफ से गाइड करें कि मुख्य समस्या कहाँ पे फेल हो सकता है नया किसान भाई। पत्ता गोभी में मुख्य किसान ये ध्यान रखे समय का, और वो अब देखो मार्केटिंग तो किसान कैसे ला सकता है, बिल्कुल खाली देख रेख करे और अगेती भी बाएं और फचेती भी बाएं, तो पता हो सकता है फचेती में भाव मिल जाए किसान को। कई बार अगेती होती है ना तो उसमें 1-2 रुपए किलो में तो किसान की मजदूरी तो उसको जानवर को खिलानी पड़ जाती है। बिल्कुल कम से कम किसान को 10 रुपए केजी जाए ना ये, तो उसको बेनिफिट मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाई तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी, हमारी कोशिश थी कि प्रैक्टिकल जानकारी आप तक शेयर करें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।